दिल्ली मेट्रो जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई और अब जब सड़कों पर ऑड एंड इवन पॉलिसी चल रही है तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो कि मेट्रो का सफ़र करता है, रोज करता है, ये पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है जहाँ से लोग अभी अपने ऑफिसों के लिए निकले हैं। 9 से 10 के बीच का वक्त है, यानी ये पीक आवर माना जाता है मेट्रो स्टेशन में, और काफ़ी भीड़ आम दिनों में भी होती है। तो इस वक्त जबकि ऑड एंड इवन पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, कई लोगों ने शायद अपनी गाड़ियाँ छोड़ी होंगी, किस तरह का हाल रहा मेट्रो का सफ़र करने वाले लोगों से पूछते हैं। सर, भीड़ तो नहीं थी अंदर? भीड़ थी, बहुत ज़्यादा थी। कितना आम दिनों के हिसाब से? आम दिनों के हिसाब से नॉर्मल नहीं कहेंगे, मतलब ऑफिस के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ है। सर, आप मेट्रो से आ रहे, भीड़ है कितनी? सर, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। ये जो इवन ऑड का जो चक्कर करवाया है केजरीवाल सर ने, बहुत ही खराब करवाया है। एक बात बताइए, जिन्होंने जो पॉलिटिशियन होते हैं ज़्यादा, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो एक एक नंबर की गाड़ी लेते हैं, 009 008, उनका क्या होगा एक बात बताइए। और हमारा तो वैसे ही गाड़ी की सेल ज़्यादा हो जाएगी, मेट्रो की ज़्यादा हो जाएगी, पैसे सरकार के पास आएंगे ही आएंगे। तो क्या भीड़ थी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ही है, जैसे पहले था वैसे ही है, कोई ज़्यादा। आम दिनों में जैसे भीड़ होती थी वैसे ही? हाँ, वैसे ही है। मेट्रो से आ रहे हैं? मेट्रो से आ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया है, और पॉल्यूशन भी कम हुआ है दिल्ली के अंदर, भीड़ भी कम हुई है, देखते हुए सबसे बढ़िया है ये सिस्टम। आम दिनों में भी इतनी भीड़ होती है? आम दिनों में तो इससे ज़्यादा भीड़ होती थी, अब भीड़ कम है। चलिए, ये कुछ लोग हैं जिनमें से एकाध का कहना था कि भीड़ ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये अच्छा है, और आम दिनों में भी इतनी ही भीड़ होती है, ऑड एंड इवन पॉलिसी से पहले भी इतनी ही भीड़ होती थी। यानी 15 तारीख तक दिल्ली के लोग पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं सड़कों में, थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन उनका मानना है कि दिल्ली की हवा साफ़ हो तो अच्छी बात है। कैमरामैन यशपाल के साथ रमन हमगाई, न्यूज़ ऑन इंडिया, दिल्ली।